नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं केसरी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश शर्मा जी, जो बजाज नॉर्थ और ईस्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार भावना जी, नमस्कार। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप और कहाँ कहाँ किन किन से। भावना जी, मैं पहले तो एक आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि न्याय केसरी ने हमारे को यहाँ पर आपने चुना है एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और शर्मा जी ने बड़ा प्रयास करते हैं तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। एक अच्छा संस्थान है और इस संस्थान के अंदर जुड़कर इसको और मजबूत करने का ही हमारा प्रयास रहेगा। मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बजाज ऑटो लिमिटेड, जो बजाज कंपनी है, उसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और हम नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मेरे 8 शोरूम्स हैं और 6 वर्कशॉप्स हैं। तो हम बजाज मोटरसाइकिल और चेतक स्कूटर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उसके अलावा छोटे छोटे संस्थान में हम जुड़े हुए हैं, जैसे मैं हमारा एक FADA करके एक वो है, फेडरेशन है, जो कि हिंदुस्तान के तमाम डीलर्स का एक फेडरेशन है। उसमें मैं दिल्ली चैप्टर का डायरेक्टर हूँ और टू व्हीलर्स के लिए। साथ में लायंस क्लब के थ्रू हम थोड़ा समाज का कार्य भी करते हैं, तो सामाजिक तौर पर लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ और लायंस क्लब का मैं जोन चेयरपर्सन हूँ। तो हमारे साथ में 4 क्लब है और हम मिलजुल के प्रयास करते हैं कि समाज के उत्थान के लिए कुछ भी अच्छा काम कर पाए। लायंस क्लब एक इंटरनेशनल क्लब है जिसके अंदर 15 लाख मेंबर्स हैं आज। आप तो खूबियों का भंडार है। तो सर आज न्याय केसरी में आपको डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और आपको कैसा महसूस हो? देखिए, एक पद मिलना, पद एक बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन पद के साथ जरूरी है उसकी जिम्मेवारी समझना। आज न्याय केसरी अखबार जिस तरह से कार्य, जो काम कर रहा है समाज के उत्थान के लिए, जिस तरह से मेहनत कर रहा है, छोटी सी सोच को बड़ा करने के चक्कर के प्रयास उसके जो है, वो बहुत ही अच्छा हमें लगता है। और इस सिलसिले को आगे ले जाने के लिए एक मत जो लोग होते हैं, जिनका विचार मिलते हैं, अगर वो जुड़ जाएंगे तो और ज़्यादा फोर्स से ये समाज के लिए भलाई का काम कर पाएगा। और समाज की सच्चाई को सामने लाना, समाज की सच्चाई को दिखाना जनता को, आज ये बहुत बड़ा काम होता है। और जिस नॉन अलाइंड तरीके से ये लोग काम करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय केसरी अखबार आज प्रेस फॉर्मेट के अंदर है, बिल्कुल डिजिटल फॉर्मेट के अंदर भी आने वाला है और बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सर, आपकी विशेष बहुत ही अच्छी हैं। और सर ये बताइए कि आजकल अभी पॉल्यूशन है और दिवाली का त्यौहार होके घटा है, तो आप पॉल्यूशन के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे कि पॉल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है और इसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, भारत देश एक ऐसा देश रहा है, ये विकासशील देश है, एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो इसकी अपनी समस्याएं हैं, अपनी परेशानियां रही हैं। आज हम लोग आज भारत को कंपेयर करते हैं कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पार कर गया तो वेरी सीवियर हो गया, हाईली पुअर क्वालिटी हो गई। न्यूजीलैंड में 15 रहता है, ऑस्ट्रेलिया में 20 रहता है। तो मेरा ये मानना है कि भारत एक विकासशील देश होने के नाते इसको प्रयास करना चाहिए कि अपनी एयर क्वालिटी को थोड़ा अच्छा करें। पहले सारी गाड़ियाँ होती थी पेट्रोल की, अब हम लोग इलेक्ट्रिक के अंदर आ गए हैं। आज हम जहाँ बैठे हैं ये भी चेतक का शोरूम है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक में क्या होता है, आपके पास पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात है कि इस तरह के प्रयास जैसे ऑटो सेक्टर वाली कंपनी कर रही है कि धीरे धीरे फ्लेक्सी फ्यूल लेकर आ रही है, या CNG आया, या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, इससे हम लोग धीरे धीरे प्रदूषण कम करेंगे। लेकिन हमारे अलावा, इस ऑटो सेक्टर के अलावा जितने और चीज़ें हैं, जैसे डीजल का भी एक है, और उसके अलावा जो किसान ये पराली जलाते हैं, इसका प्रयास निरंतर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भी आप नवंबर आया, अक्टूबर आया, तो उस टाइम पर हमने इसका थोड़ा सा अखबार में डालना शुरू कर दिया। एक निरंतर प्रयास रहे, एक निरंतर उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें तो प्रदूषण कम होगा। पर प्रदूषण हवा का ही नहीं, प्रदूषण बहुत तरह के होते हैं, हवा का हो गया, आवाज़ का हो गया, यमुना का प्रदूषण हो गया। तो एक निर्णय, मतलब एक पूरा होलिस्टिक व्यू लेके प्रदूषण पर काम करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आजकल का जो युवा है वो इस बात को समझता है। ये हमारा फर्ज बन जाता है कि हम अगली जनरेशन को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे पाए, और उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और सबकी ही जिम्मेवारी है इसके अंदर, सरकार की भी है, जनता की भी है, मेरी और आपकी भी जिम्मेवारी है कि हम इसमें जो हमसे बन पाता है वो हम उसमें करें और इसमें दूसरों को जागरूक भी करें। ये ना कि कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं, अगर हम ही इस चीज का प्रोटेक्शन रखेंगे तो ये प्रदूषण का क्या, किसी भी चीज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर आप ये बताइए कि आगे हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनकी? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखिए
नया केसरी जो चैनल पर हम लोग बात कर रहे हैं कि समाज के अंदर समाज के उत्थान के लिए हमें काम करना चाहिए और जनरेशन्स हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि अगली जनरेशन्स के लिए हम कुछ ऐसा देकर जाएं, एक ऐसा वैल्यू सिस्टम क्रिएट करें। उस वैल्यू सिस्टम के अंदर आज हम देखिए राजा राम हमारे पूर्वज हैं। राजा राम हिंदुस्तान भारत के पार्ट वो भारत में पैदा हुए थे ना, तो उनके वैल्यू सिस्टम को अगर हम देखें और उसका 10% भी हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि भारत 2050 में नहीं 2040 में ही वर्ल्ड की एक और मोटी एक बड़ी पावर बन जाएगा। हमें कोई शौक नहीं है कि हम सुपर पावर बने, हाँ लेकिन एक ऐसी पावर जरूर बन जाएगा हमारे इस वैल्यू सिस्टम के थ्रू, क्योंकि हम लोग बड़े मेहनती हैं और अगर हमारे अंदर वैल्यू सिस्टम अच्छा है तो हम एक ऐसी पावर बन जाएंगे जिसको पूरा जग एक जगत गुरु के बारे में की तरह याद रहेगा। तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमें अपनी जनरेशन को ऐसी सौगात देनी चाहिए कि जिससे भारत एक पावरफुल बन जाए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद मेरा, धन्यवाद आपका। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहिए। कैमरामैन रवि के साथ मैं भावना शर्मा।